गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर ब्लॉग सब का साहिल, और आज के स्टूडियो में हम प्लेग्राउंड सीजन 4 के कुछ चुनिंदा चुनिंदा वीडियोस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। एज यू ऑल नो के सीजन 4 प्लेग्राउंड का आ गया है फाइनली हमारे लिए काफी सारे कंटेंट्स लेकर, और आज मैंने काफी सारे वीडियोस को कलेक्ट किया है, मैंने नहीं वैसे करवाया है, और आज हम उसी वीडियो को देखने वाले हैं। यार मैंने सुना मुनव्वर फारूकी को होस्ट किया गया उसके ऊपर, यार तो फटाफट से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इस बार का जो प्लेग्राउंड का सीजन 4 है ना यार, मैं मतलब क्या ही बताऊं यार, मुनव्वर फारूकी, एल्विश यादव, अपना वो क्या नाम है, फाल्गुनी पाठक, ऐसे पकड़ लो साइड से, नहीं देखो भाई मॉडल मुझे फाल्गुनी पाठक क्यों लग रहा है यार। छोड़ो जो भी है, अपने मित पैट भाई यार मतलब ब्लॉक बास्टर होने वाला है इस बार का जो सीजन है। तो चलिए लेट एक्सप्लोर द फर्स्ट वीडियो। यार हम किस चीज की इंतजार कर रहे हैं, चलिए मैं लगाता हूँ। ब्रो रोस्टेड द जज, बता दो यार अपने बारे में। मुनव्वर ने पहले ही खत्म कर दिया कहानी, पहले ऑफेंड हो गया यार तू तो। क्या है भाई तू रोस्टर है, जेल नहीं पा रहा अभी से? रोस्टर है भाई, रोस्ट तो किया ही नहीं तूने। आपको रोस्टिंग पसंद है ना? मैं बोलूं रोस्टिंग पसंद नहीं, कर लेता थोड़ी बहुत, आप करना शुरू करो। मैं तो करता ही हूं ब्रो, इसीलिए यहां पे बैठा हूं। पता नहीं जल्दी स्टैंड अप कॉमेडी करते हो यार। ओ भाई गजब रोस्ट कर रहा है यार आते जज को, दोनों आर्ट फॉर्म अलग अलग है, तू नहीं समझेगा भाई। आप समझाओ थोड़ा सा, मेरे को समझ नहीं तो आया हूं मैं। नहीं तो मैं भी चूज करता हूं ना, आई पिक पीपल ब्रो, मैं खुद चूज करता हूं। तो जेल चूज किया था या खुद ही? ओहो भाई मतलब रोस्टेड वो सब नसीब में होता है, किस्मत में लिखा होता है। वैसे भाई बता आपको, मैं 4 बार मिल चुका हूँ, मुझे एक भी बार याद नहीं है। तो समझ जा तू कितना इंपॉर्टेंट है। दोनों तरफ का मामला, जेल में मेरा ताऊ जेलर था, ताऊ जेलर था। तेरे से लोग ना 4 रोज बेच देता हूँ। बेचते हो? बेच देता हूँ समझ रहे हो, तेरे से 4 तभी तो जेल जाते हो यार। मतलब सच में यार कितना पैसे से कर रहा है यार ये, अब बोल रहा है कि यार पूरा मतलब यार मुनव्वर की मतलब पूरी मतलब क्या बोलूं मैं, बोलने के लिए वर्ड्स नहीं है यार। उसी के शो में आकर मतलब एज अ जज है वो वहाँ पर, और इसे पूरा यार हमें भी बोला यार इतना गंदा नहीं करेंगे हम, लेकिन पर हाँ यार इतना नहीं बोलना चाहिए, जज है वो यार, रोस्टिंग अपनी जगह पर है, और एक बदतमीजी और ऑफेंड करना एक अलग चीज़ है यार। ये ऑफेंड कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है यार, उनकी इज्जत के साथ मजाक कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए यार। वो उस मुकाम तक पहुँचे यार, तुम यार अभी यहाँ पर आकर छोड़ो, हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, आगे देखते हैं क्या है वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो एल्विस एंड मैक्स टाइम लफड़ा रिप्ले, ओह रिप्ले हो रहा है भाई। अरे यार तबाही शो चल रहा है यार, ये तो अलग ही चल रहा है, मतलब यहाँ पर फुल ऑन मस्ती चल रही है यार, सीजन 4 यार तबाही है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, वीडियो नंबर 3। 37 दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, 37 दिन कितने ज्यादा होते हैं? 37 दिन यार जेल में गया था 37 दिन के लिए यार, याद है मुझे यार, 6 दिन ये गया था एल्विस भाई, 6 दिन के लिए गए थे, एज यू नो वो वाला जो लफड़ा हुआ था कोबरा वगैरह। हाँ भाई मतलब ये लोग ना आजकल जो ये रोस्टिंग का जो कल्चर चला है ना, वैसे हम भी पार्ट है उस कल्चर का यार, वो लोग मतलब लाइंस लिख कर रट कर आ रहे हैं कि किस तरीके से स्क्रीन पे वायरल होना है यार, और हो भी रहे हैं वो लोग यार। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्मार्ट बॉय दैट मेक्स देम लाइक मोर अपील। तो मुझे ऐसा लगता है जो लोग मिस्टीरियस रहते लड़की ज्यादा अट्रैक्ट होती है, नहीं है ना? एल्विश भाई नहीं भाई मजाक नहीं होना चाहिए, मुनव्वर भाई वैसे ही है अपने, ये थोड़ी बोला इनने, यही तो बोला है मिस्टीरियस रहो मतलब लड़की से अपने बारे में। कटारिया और UK07 का गुरु सब यार, मुनव्वर फारूकी को रोस्ट किया और वहाँ पर रोस्टिंग खेल रहे हैं, वो गेम नहीं खेल रहे, रोस्टिंग खेल रहे हैं, और बुलाओ गेमिंग शो पे रोस्टर्स को और कॉमेडियंस को, क्यों बुलवाते हो यार तुम, जब तुम्हें पता है TRP के लिए बुलवाते हो यार, मैं भी जानता हूँ, बट अगर बुलाओगे उन लोगों के तो ऐसा ही होगा यार, ऐसा ही होगा, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम लोगों से, दिन भर का काम ही है इन लोगों का ये करना। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, व्हाट इज द नेक्स्ट एल्विस भाई प्लीज हेजिटेट, आ गया ना अपनी वाली पे, एल्विस रोस्ट करेगा भाई आगे। इस बार ना एल्विस भाई ने मुंह बंद करा दिया यार मुनव्वर फारूकी का,
रोस्टिंग रोस्टिंग खेल रहे हैं वो लोग गेमिंग शो पे, अभी तक रील्स ही देख रहा था, मतलब जाके अब लगता है देखना ही होगा इस शो को। नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं हम लोग, बहुत बहुत बात कर रहा हूँ मैं यार, वीडियोस कम दिखा रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो अपनी लड़ाई करवा के मानेंगे, कैसे लड़ाई करवाने की जरूरत पड़ती है। भाई साहब तो इधर बैठा है, तुम्हारे जितना आवाज तो और कोई नहीं है, डिजर्व नहीं करता ब्रो मेरा गुस्सा। मनोहर भाई यार पता नहीं सच में मजाक कर रहे थे या फिर सच में यार वो मतलब गुस्सा हो गए थे, मुझे नहीं पता, अभी जाके देखूंगा, आप लोग भी देखो जाकर के यार इस वीडियो के बाद, तब पता चलेगा क्या सीन शॉट था अपना। नेक्स्ट वीडियो तो यार मेरी तरफ से तो भाई के साथ मोय हो गया। ओ भाई ना बोलना था उसे, हाँ कर दिया। फाल्गुनी पाठक भाई अपने नाम नहीं पता मुझे, यार कमेंट करो यार, ये भी सोच रही होगी बेचारी की क्या कर रही है लोग मेरा मजाक बना रहे, पर इसी बहाने वायरल हो गए आप यार, कॉन्ग्रेचुलेशन आप वायरल हो गए हो। प्लेग्राउंड से कुछ हासिल करो या ना करो, अब आप इंस्टाग्राम से अच्छी खासी फेम हासिल कर चुके हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं यार, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्या हुआ, नहीं देखना यार, इतने सुस्त क्यों हो तुम लोग यार, थोड़ा चिल्ड अप हो, हंसो यार, देखो नेक्स्ट वीडियो मेरे साथ। एल्विस भाई को आया गुस्सा, ये शायद पता नहीं प्रोमो क्या हो भाई, ये तो डांसर है भाई, इसके ऊपर भी न्यू वीडियो आने वाली है लेट। हो भाई ये स्ट्रीट डांसर है, पब्लिक में डांस करता है, क्रिंज भाई क्रिंज, किसी को भी गुस्सा आएगा यार। आई डिडंट नो दिस, क्या यार ट्रांसजेंडर है क्या यार, मतलब छोड़ो, नो रिएक्शन, एल्विस भाई का नो रिएक्शन, टेक्निकल प्रॉब्लम, क्या कर रहा है बंद करो भाई बंद करो, व्हाट इज दिस भाई, ये सही बात है भाई, लेकिन ऐसे कैसे आ गए, इज दैट अ क्वेश्चन, यहाँ पे इतने कैमरे लग रखे हैं, इंटरव्यू चल रहा है, तो वो कैमरे में ही तो नाचता है। अरे बाप रे, बन जाऊं क्या राव साहब, मजाक मजाक में तुम लोगों को देख रहा हूँ इतने देरों से, बन जाऊं क्या राव साहब, जिस दिन मैं राव साहब बन गया ना उस दिन तुम लोगों के सारे पुश्ते खत्म कर दूंगा, तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। चले देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो पकड़ लो साइड से, नहीं देखो भाई मॉडल मुझे फाल्गुनी पाठक क्यों लग रहा है, मुझे फाल्गुनी पाठक, अरे भाई यार मतलब किसी इस वीडियो को मैंने देखा है यार, ये वीडियो मतलब मेरे पास दूसरी बार में आया है, पहले बार मैंने अपने मोबाइल पे देखा था रील में, इसी को देख करके मैं फाल्गुनी पाठक शुरू में बोल रहा था यार, बट लिटरली रोस्टिंग खेल रहे हैं लोग यार प्लेग्राउंड के नाम पर। प्लेग्राउंड का मतलब जानते हो क्या होता है, खेलने के लिए स्थान, खेलने का स्थान, ग्राउंड जिसे हम लोग कहते हैं लोकल भाषा में मैदान, खेलने के लिए मैदान, और वहां पर ये लोग रोस्टिंग शो खेल रहे हैं भाई, मतलब देखना पड़ेगा जा करके, मतलब पूरे समराइज इसके पूरे लेक्चर, मतलब लेक्चर पढ़ पढ़ के ना हालत खराब हो गया, लेक्चर निकल रहा है, पूरे शो को देखना होगा लगता है यार एक बार, तब जा करके सही में समझ में आएगा कि हो क्या रहा है असल में। मनोवर कभी उसे रोस्ट कर रहा है, कभी एल्विस उठ के उसे रोस्ट कर रहा है, जेल जेल की बातें हो रही हैं, मतलब देखो रोस्टिंग को ना यहाँ पर लोग बहुत ही हाई पे लेते हैं, वहाँ देखो अपने यूएस में यार डोनाल्ड ट्रंप को बुला करके मजाक कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बाल उड़वा दे रहे हैं, मतलब वहाँ पर रोस्टिंग एज अ शो की तरह, एज अ कॉमेडी की तरह लिया जाता है, बट हमारे भारत में ना रोस्टिंग को मतलब एज अ मजाक नहीं, एज अ बेइज्जती समझी जाती है यार, क्यों करेगा कोई तुम्हारी बेइज्जती यार, इसे एज अ एंटरटेनमेंट पर्पस, कॉमेडी पर्पस के लिए समझो प्लीज, मेरी गुजारिश है आप लोगों से यार, इस जैसे शोज जो है ना प्लेग्राउंड जैसे शोज और बहुत सारे बिग बॉस वगैरह, उस शोज को देखो ताकि तुम्हें सच में पता चले कि रोस्टिंग असल में होती क्या है, किसी को भी रोस्ट किया जा सकता है यार, इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई, समझो तुम अब भड़क जाते हो, कमेंट्स लिखते हो, गलत बात है ना, समझो थोड़ा समझो। सो हाँ गाइस दिस इज फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यू आर द वंडरफुल ऑडियंस, एंड हाँ एक बार खड़े होकर के अपने भाई के इतने एनर्जेटिक वीडियो के लिए क्लैप कर दो, सुकून मिलता है यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।